नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार पुनः आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है साथियों। तो आइए साथियों, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर जो है 50 तक कंप्लीट कर लिया था औसत का। इस क्लास में साथियों वहीं से आगे की बात करेंगे साथियों, ठीक है साथियों। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक नए उमंग के साथ बिना टाइम गंवाए, ठीक है साथियों। जैसा कि आप लोगों को पता है साथियों, मैंने बताया था कि पूरा आर्यश अग्रवाल जो है YouTube पे फ्री में आप लोगों को पढ़ा देंगे साथियों, ठीक है। और रीजनिंग भी इधर चल रही है, उसको भी मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा साथियों। और आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छे लेवल का ये चैनल रहेगा और हर जो है मैं मतलब टॉपिक से रिलेटेड हर चीज आप लोगों को पढ़ाई जाएगी साथियों, ठीक है। तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी, पूरा आप यहीं से सीखेंगे, ठीक है साथियों। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। स्टार्ट करने से पहले साथियों, जितने लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, ठीक है साथियों। तो आइए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। एक बार पढ़ते हैं, आप लोग समझिए क्वेश्चन नंबर 51 भाई, देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा है 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है, शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, शिक्षक की आयु कितनी है। बहुत बेहतरीन एकदम मजेदार क्वेश्चन है। कितने नंबर है भाई क्वेश्चन नंबर 51, इसमें क्या कह रहा है 36 छात्रों की, यानी कि बेटा 36 जने है ना, उनकी जो औसत आयु कितना है 14 वर्ष। कोई समस्या किसी को नहीं, तो गुना कर लीजिए। अब आप अगर गुना करते हैं 14 छक्के होता है 84 के 4 हासिल लगा 8, ठीक है। 14 तीन 42, 42 आठ 50। लेकिन फिर आगे कहा आ गया है क्या, शिक्षक की आयु भी सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है। बता दो 36 जने थे, जब शिक्षक भी आ जाएंगे तो कितने जने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे भैया 37 जने, और उस स्थिति में औसत आयु 1 बढ़ जाती है। तो 14 थी, 1 बढ़ के क्या हो गई 15, तो 15 7 आप कहेंगे भैया 105, 105 की क्या होता है 5, हासिल लगा 10, 15 3 45 45 और 10 55। अब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दीजिए, सवाल के आंसर देखिए, ये पूरे शिक्षक का औसत आयु का योग है और इसमें जब टीचर सम्मिलित हो गए तब ये वैल्यू बढ़ गई। क्यों बढ़ी, क्योंकि टीचर की तो आयु आ गई, तो टीचर की आयु आ गई तो इसमें से ये वाली शिक्षक वाली घटा लीजिए। जैसे घटाएंगे 504 555 में से घटाएंगे, सवाल के आंसर आ जाएगा 51 वर्ष, है ना भाई। 4 जाएगा 5 में से 1 बचेगा, और इधर 5, 5 में से 5 गया 0, 51 वर्ष सवाल का आंसर है। यानी कि 51 का कौन सा आंसर है, बी सही है साथियों, ठीक है। तो साइड हट रहे, स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर अगली बात पे आते हैं भाई। छोटा छोटा सवाल कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ, है ना, ताकि आप समझ जाएं, आपको कोई भी समस्या ना हो, ठीक, मिटाए ना भाई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। देखिए साथियों, 52 क्या है, कह रहा है किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी ही है जितनी यह 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य के को एक नव युवक सदस्य द्वारा बदला गया, पुराने सदस्य की तुलना में नए सदस्य कितना छोटा है। वाह, सवाल बहुत बेहतरीन है। कह रहा ना भाई, किसी समिति के 52 नंबर सवाल है, 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी है जितनी ये 2 वर्ष पूर्व थी। अब ये समझो कि 2 वर्ष पूर्व किसी 10 सदस्य की आयु रहेगी, तो आज सबकी 2-2 वर्ष बढ़ जाएगी। 10 लोग हैं, मैं कह दूं भाई 2-2 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे, तो 10 जने हैं, 2 वर्ष बाद एक एक व्यक्ति 2-2 वर्ष बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा तो 10 गुना में 2 कर लो 20 वर्ष। लेकिन सवाल में कह रहा है ना भाई कि आज भी औसत आयु उतनी है, अगर औसत आयु जो है उतना ही मुझे रोकना है ना साथियों, देखिए औसत आयु मुझे उतना ही रोकना है, तो ये 20 वर्ष तो कम करना पड़ेगा,
तो नए जो नए व्यक्ति को बदला जाएगा किसी पुराने व्यक्ति से, तो नए व्यक्ति की औसत, नए व्यक्ति की जो औसत आयु है ना कितनी कम होनी चाहिए, तो 20 वर्ष सवाल का आंसर है साथियों। बिना सोचे समझे ध्यान से फिर से समझो, क्वेश्चन पढ़ के क्लियर कर रहा हूं। क्या कह रहा है, किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी ही है जितनी ये 2 वर्ष पूर्व थी, तो 2 वर्ष पूर्व जितनी रहेगी आज रहेगी, तो सब 2-2 वर्ष बढ़ेंगे भाई। आज मैं अगर 18 का हूं है ना, आज मैं अगर 18 का हूं 2 वर्ष बाद कितने का हो जाऊंगा, 20, 2 बढ़ जाएगा, तो 100 लोग भी तो 2-2 वर्ष बढ़ेंगे, तो 10 दुना में 20 वर्ष, ये 20 वर्ष फालतू हो जाता। लेकिन कह रहा सवाल में आज भी उतनी है, तो उतनी करने के लिए कम करना पड़ेगा कि नहीं। तो भाई सवाल में क्या पूछा था, पूछा था भाई सदस्य को एक नियोग द्वारा बदला गया, पुराने सदस्य की तुलना में नए सदस्य कितना छोटा है, तो 20 वर्ष छोटा है। ठीक है, मिटाते हैं भाई, आ जाओ 52 पे, 52 हो गया भाई, 53 की कहानी अब शुरू करते हैं। ठीक, तिरपन नंबर सवाल देखिए, किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की औसत, 2 खिलाड़ियों की आयु, सामने क्वेश्चन लिखा, पढ़िए आप बढ़िया से, मैं लगा रहा हूं पढ़ते हुए, जो जो सवाल में कह रहा है ना वही वही करते जाइए। सवाल में कह रहा है किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 17 वर्ष और क्या है भैया 20 वर्ष है, इनके स्थान पे 2 नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 वर्ष 2 महीने कम हो जाती है, नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी। देखिए जब इनके स्थान पे ना, पहले तो जोड़ो 37 वर्ष, यानी कि 2 जने को जब जोड़ा गया ना तो 37 वर्ष है। इन लोगों को बाहर भेजा गया, इनके बदले 2 लोगों को बुलाया गया, बुलाने के बाद पता चला कि 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है, कितने कम हो जाती है 2 महीने। तो अगर 11 खिलाड़ियों की 2 महीने औसत आयु कम हो गई तो 11 दुना 22 माह कम है भाई, तो पूरा 22 माह कम हो गया। और कम क्यों हुआ, क्यों भाई, क्योंकि 37 वर्ष 2 जने का योग भेजा गया, जो आए होंगे वो 22 माह कम आए होंगे, तो 22 माह इसी में से घटा लीजिए। और घटाएंगे कैसे, तो आपको पता है वर्ष में से माह नहीं घटाया जा सकता, तो आप इसको लिख सकते हो 25, क्योंकि कम से कम आपको 25, आपकी इच्छा करे भैया 34 वर्ष कर लीजिए। और देखो 34 × 3 = 37 होता है ना, तो 3 वर्ष को माह में कन्वर्ट करो, तो 12 × 3 = 36, 36 माह, और इसमें से 22 माह घटा लीजिए। अब देखिए ये तो 34 वर्ष रहेगा, महीना इसमें से घटेगा भाई, तो 4 × 1 = 14 माह। पूछा था इनका औसत आयु बताओ, तो 2 से भाग करो, 2 से भाग करेंगे भैया 17 वर्ष, 2 से भाग करेंगे 7 माह, तो 17 वर्ष 7 माह सवाल का आंसर है जी, नोट करिए साथियों। ठीक है, स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर हम अगली बात पे बढ़ेंगे भाई। ठीक प्रिय विद्यार्थियों, कोई समस्या किसी को नहीं, अब आइए जी इस कहानी को खत्म करते हैं, अब हम अगले प्रयास की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 भाई, अगर सिलेक्शन लेना है तो कतई भाई मेहनत करना होगा, इससे घबरा कर भयभीत होकर बिल्कुल भागना नहीं है, और नहीं भागोगे तभी सफलता मिलेगी, नहीं तो सफलता नहीं मिलने वाली, दौर बदल रहा है। ठीक है, और आने वाले आज से 3 या 4 साल बाद सिलेक्शन मात्र इस बात पे होगा कि आपको क्वेश्चन आता है, मायने नहीं रखेगा आप कितना जल्दी उसको कर पा रहे हैं साथियों। ठीक है, तो आप क्या करिए ना, जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ उसको 10 बार लगाइए 20 बार लगाइए, तब तक लगाइए जब तक आप उसको 10-15 सेकंड में नहीं लगा पा रहे हैं, है ना। ठीक है, तो अब आइए अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, आइए साथियों अब क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर लेते हैं, इसमें देखते हैं क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 54 इसमें कह रहा है 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु क्रमशः 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है, टोटल कितने पुरुष हैं
आठ भाई। आठ पुरुष में से जो है दो पुरुषों की आयु क्रम से 21 वर्ष और 23 वर्ष है। इनके स्थान पर दो नए पुरुषों को लेने पर इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। भाई इनके स्थान पर इनको बाहर भेजा गया होगा, दोनों को जोड़ा कितना भाई 3 × 4 = 2 = 4। इनके स्थान पर जब दो नए पुरुषों को लाया गया भाई तो औसत आयु में कितने की वृद्धि हो गई, 2 की हो गई। तो 8 लोग टोटल थे ना, 8 में 2 की वृद्धि, तो 8 × 16 यानी कि भाई 16 वर्ष फालतू, यानी कि 44 वर्ष बाहर भेजा गया, लेकिन जो आए ना 16 वर्ष फालतू लेकर आ गए। 44 बाहर भेजा गया, 16 फालतू लेके आए, तो क्या हो गया भाई, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ेंगे तो कितना हो गया 60। पूछा था उनका औसत आयु बताओ, हाँ भाई उनका औसत आयु बताओ जो लोग अभी अभी आए हैं। तो 2 लोग आए हैं, 2 से भाग, सवाल के आंसर 30 वर्ष। ठीक है, स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर जो है 55 को देखते हैं। ठीक है साथियों, ठीक, तुरंत स्क्रीन शॉट लीजिए भाई, अब मिटाते हैं इसको। अब आइए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 55 में क्या कहा है, एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता 55 है भाई, पिता प्लस माता की औसत आयु जो है 35 वर्ष है। दो जने हैं ना, तो 2 से गुना, 35 × 70। आगे फिर क्या बोला है, पिता माता तथा उनके एकमात्र पुत्र है। पिता प्लस माता प्लस एक पुत्र, तो भैया अब कितने लोग हो गए, 3 लोग। इनकी औसत आयु 27 वर्ष है, 3 है तो 27 × 3 = 81। पूछा है सवाल में तो पुत्र की आयु कितनी है, बड़े वैल्यू में से छोटी को माइनस करो, तो 70 × 81 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा, 11 वर्ष। और 11 ही सवाल का क्या है आंसर है साथियों। ठीक है, तो सवाल नंबर 55 ये रहा साथियों। ठीक, कोई समस्या किसी को नहीं? ठीक है साथियों, तो आज की क्लास में 5 ही सवाल करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, बहुत ज्यादा सवाल हमने नहीं इसमें रखा, बाकी फिर अगला क्लास आएगा, फिर 2 क्लास में खत्म कर देंगे इसको। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ठीक, ओके, बाय बाय।